Kathak is a very challenging dance form, so popular in North India, but also follows all the principles of Natya Shastra. There is Lok Dharmi Abhinay, there is Natya Dharmi Abhinay, and one has to be well versed with all these things. You do not have the mudra exactly like this. If you want to show the path of flying birds, they go like that. So two movements will go, the bird is flying. Bharatanatyam will show birds flying like that. Now, in Kathak, this communication is very simple and it has a direct appeal to large masses of audience. The biggest problem for classical Indian dance is this, that what does a dancer do on the stage, 90% of the audience never understands. But Kathak has an advantage. The pure dance technique, what we call Nritya, is appealing. Usme tatkar hoti hai, footwork ka kaam hota hai. Usme tode tukde, there, if you look at the watch and see the duration of a particular amad, dhata kathunga, dhagi degeta, dhadinta, ditta kreda, takka thunga, tati kadata. Agar aap dekhoge, to uska revolution sirf ek minute khatam ho jata hai. To ek minute mein dancer iski khubsurti ko kaise badhaye, wo badi challenge hoti hai. Halaki Shona ji ka bada sobhagya raha hai. उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से तो सीखा ही है, कुंदनलाल गंगर से जयपुर घराना, बिरजू महाराज जी से लखनऊ घराना, बम्बई में पहले अपने जैसे बताया साधना बोस के पास उन्होंने ओरिएंटल डांस सीखा है, पर ये सम्मेलन करके जिस तरह प्रस्तुत करना है वो उनका एक बड़ा योगदान है। आप अच्छी तरह ऑडियंस के साथ बात भी कर सकती हैं और एडवांटेज तो ये भी है कि उन्होंने जितना हिंदी साहित्य का सघन अभ्यास किया है वो अभ्यास बहुत बड़ी बात है। हालांकि प्योर डांस तो उनकी खूबसूरती, उनका लावण्य, उनका उसकी नज़ाकत, उसका मिजाज वगैरह, उनका शी इज़ अ ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फिगर ऑल्सो, दैट कम्स आउट वेरी ब्यूटीफुली इन द कथक। इट इज़ नॉट धड़ 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 एक्सेट्रा, इट इज़ नॉट इनकम्प्लीट, बट द कम्प्लीट रेजोल्यूशन ऑफ मोमेंट, इफ शी टेक्स द चक्कर, शी विल टेक इट सो ब्यूटीफुली दैट द एंटायर कर्व विल रिमेन इन योर माइंड आफ्टर द शो इज़ ओवर, और वेन शी विल गो एंड परफॉर्म गत, तो गत में निकल जाती है तो आपके मन में वो छवि रह जाती थी। अगर भाव वाली गत भी करती होगी तो वो उसकी कथा को अपने चेहरे के सौंदर्य से, हस्ताभिनय से, मुख मुद्राओं से, पद चलन से साकार कर पाती हैं। तो शोभना जी का एज ए क्रिटिक मैंने जो एंजॉय किया है वो दो पक्ष बहुत एंजॉय किया है मैंने। एक पक्ष तो है उनका नृत्य प्योर डांस, हालांकि वो पॉपुलर भी है, खुद ऑडियंस को पूछेगी अच्छा बताइए मैं जो अभी डांस कर रही थी वो कौन सा था, तो बोले घोड़े की चाल, तो द वॉक द वे हॉर्स गैलप्स एक्सेट्रा, शी कुड ब्रिंग इट टू द इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस इवन दो देर इज नो हॉर्स गोइंग एनीवेयर, ओनली द साउंड इज, सो द साउंड इमेज इज ट्रांसफॉर्म इन टू ए ब्यूटिफुल इमेज ऑफ ए हॉर्स गैलपिंग एंड देन विद द यूज ऑफ तबला एक्सेट्रा शी क्रिएट्स दिस इमेज इज वेरी ब्यूटिफुली। व्हेन शी टेक्स ए थीम ऑफ युधिष्ठिर एंड द्रौपदी, तो पवन वर्मा की बहुत बड़ी किताब है, इस पर नाटक लिखा है उन्होंने, उसका उन्होंने कथक नृत्य में रूपांतर किया है, बहुत सुंदर किया है उन्हें। वो अगर कहती वो मुझे कह के तो जाते, जो वर्मा की कविता है, जब बुद्ध भगवान यशोधरा को छोड़ के चले जाते हैं तो यशोधरा जब जानती कि वो उनको छोड़ के चले गए तब वो कविता में कहती वो मुझे कह के तो जाते, आई विश एटलीस्ट ये टोल्ड मी दैट इज लिविंग अस एक्सेट्रा। इनका जो निरूपण है वो निरूपण मैं बार बार देख सकता हूँ, चाहे हम भीमसेन जोशी का गाना सुनते हैं, जो भजे हरि को सदा वो परम सुख पावे का, कई दफ़े सुन सकता हूँ। इसी तरह शोभना जी का ये जो वो मुझे कह के तो जाते, या युधिष्ठिर के साथ की द्रौपदी इसकी बात वगैरह, इतनी मनोरम रूप से, इतने हृदयंगम रूप से हमको छू जाने वाले तत्व से वो करती हैं, ताकि बुरी बुरी प्रशंसा मैं कर सकता हूँ। मैंने कभी कभी ऐसा भी शायद लिखा है, ऐसा तो है ना कि हम क्रिटिक लोगों को संतुष्ट करना इजी नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं कोई क्षति निकालने वाले लोग होते हैं, तो लोग मुझे कहते हैं आप बड़ी तारीफ ही करते हो सुनील भाई, तो मैंने बोला कि तारीफ करना क्रिटिक का धर्म है। अगर हमने अच्छा डांस देखा, वो डांस को पिछली रात जो डांस हुआ था उसका मेरे शब्द में वर्णन करके आपको अनुभूत कराना है मुझे, कितना सुंदर डांस आपने देखा था, तो कभी ऐसा भी लगता था कि हर एक प्रोग्राम तो इतना ऊपर नहीं होता है, कोई कोई प्रोग्राम ऐसा भी होता है, कोई ऐसा भी होता है, किंतु जो डांसर ने एक लेवल एस्टेब्लिश कर दिया है
वो लेवल से वो नीचे नहीं जाती है कभी, वो लेवल से ऊपर जा सकती हैं, लेवल तक रह सकती हैं, और कभी लेवल से एकदम बढ़ के कहीं और भी जा सकती हैं। कभी ऐसा भी देखा कि कहीं कई कार्यक्रमों में कई कई ऑडियंस के लिए जनमनोरंजन करने के लिए वो अपना कार्यक्रम पेश करती हैं कि जहाँ लोग ऐसे घोड़े की चाल समझ पाए, तो हम लोग क्रिटिक लोग जो है वो अपेक्षा ऐसे रखते हैं कि नहीं नहीं उनको ऑडियंस को भी अपने साथ उठाना चाहिए। सही बात है, ऑडियंस को उठाना चाहिए, वो तो बात सही है, परंतु हमेशा तो ऑडियंस उठेगा नहीं। ऑडियंस तो सिर्फ क्रिटिकों की तरह डांस देखने के लिए नहीं आती है, ऑडियंस तो देखना आती है कि ये जो कलाकार हमारे सामने डांस कर रही है वो कितना सुंदर डांस करे, हमको कहाँ उसका अपील होता है वगैरह। तो मैं जरूर मानता हूँ हमारे दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है क्रिटिक का, एक पक्ष होता है डांसर का। तो डांसर कहते हैं सुनील भाई हम आपके लिए तो जरूर डांस करते हैं, ताकि हमारे मन में है कि सुनील कोठारी बैठे हैं, लीला वेंकटरमन बैठी हैं वगैरह, किंतु एक ऑडियंस भी बैठी है जो हमारी चाहक हैं, उनके साथ गाने में अपने ज्वाला प्रसाद जी तबले पर उनके जो जो आए इमीजिएटली कांट रिकलेक्ट द नेम, बट दिस म्यूजिशियंस हैव गिवन हर ए ट्रेमेंडस सपोर्ट। तो जैसे कि सुर, संगीत और नृत्य, ये तीनों की एक त्रिवेणी संगम होता है, दे ऑल वॉक हैंड इन हैंड, एंड देयर फॉर विथ हर पर्सनैलिटी, विथ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डांस, विथ अंडर हर वास्ट रीडिंग, नॉट ओनली दैट हर रिसर्च इन टू द कथक एरिया इन पटना, शी हैज डिस्कवर्ड ऑल्सो द फ्लेयर्ड अप यू नो कॉस्ट्यूम्स ऑफ द डांसर विथ ए ब्यूटिफुल टूटू लाइक कलेक, एंड देन शी ट्रेसिस इट बैक। अभी आजकल तो मुझे बता रही थी कि शी हैज गॉन इन टू मैनी एरियाज एंड नेम्स ऑफ द कथक विलेजेस एंड शी वॉन्ट्स टू वर्क अप ऑन दैट। सो देर इज ए मॉडर्न माइंड विच थिंक्स ऑफ ट्रेडिशन वी शुड बी अपहेल्ड, बट शी ऑल्सो थिंक्स दैट दिस ट्रेडिशन हैज डीपर रूट्स एंड वी शुड नो दैट रूट्स। शी हैज एबिलिटी, शी हैज रिटन मोर देन 14 बुक्स ऑन डांस, शी रिटन बुक्स ऑन फोक डांस, शी हैज रिटन बुक ऑन कथक, she written many books which are absolutely a contribution coming from the one who knows the theory and one who practices, jahan shastra aur prayog dono ka sammilan hota hai. As a well-read literary loving literature etc, unke jo kalpan hai, images hai, wo bade madhur hote hain. Maine natya shastra mein kaha hai, ras mein bhi kaha hai ki aap koi cheez prastut kare, present kare, to uska resonance aana chahiye. अगर आप सितार के तार देखोगे तो मैनी आर सिंपथेटिक यू नो स्ट्रिंग्स, तब कहीं एक छेड़ो तो दूसरे की सिंपति का सुर आपको पता है। तो क्रिटिक को, अच्छे पढ़े लिखे लिटररी मैन को, उनके एक दो चार इवन हंसता भी नहीं से पता लगता है कि आप कहीं और हमको ले जाएगी, तो एक नई सृष्टि वो खड़ी कर सकते हैं। डांसर की बड़ी सबसे चैलेंज ये होती है कि वैन शी वॉन्ट्स टू डू वॉट दे कॉल संचारी भाव, जैसे गोवर्धन गिरधारी कहा तो उठाया गोवर्धन को, पर इसके साथ कई चीज़ें होती हैं। इंद्र ने कोप करके बारिश भेजी, सब गाय पशु पंखी बाल वगैरह आके कृष्ण के आके खड़े रहे, कोई बाल गोपाल ने अपनी लाकड़ी से भी वो गिरधर को उपाड़ना किया, तो वो जो बात कहनी है गिरधारी की उसका विस्तार वो कर सकते हैं, वो गत से भी कर सकते हैं, मुख से गत बोल के भी कर सकते हैं, उसकी कविताओं से भी कर सकते हैं, इतनी इनकी गुंजाइश होती है। तो इसका पूरा एडवांटेज सोना जी लेती हैं, सोना जी को पता है कि यहाँ से कहाँ मैं डांस की कोई थीम को कहाँ तक ले जा सकती हूँ, और वो ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चैलेंजें उन्होंने की, उन्होंने और भी चैलेंज लिए हैं, उनकी शारीरिक जो अवस्था है, उनकी आँखों की जो तकलीफ है, पता ना लगे हमें, डांसर ऑडियंस को पता नहीं लगेगा कि उनकी कोई टेक्निकली कुछ डिफिकल्टी उनकी है, जो होता है डांसरों की सर्वसंपूर्ण डांसर नहीं होती है, तो उनको तार करके उसको ट्रांसेंड करके वो अभिनय करती है, ट्रांसेंड करके डांस करती है। एंड आई फाउंड हर वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स आई मस्ट से अबाउट शोभना जी, आई हैव नेवर हर्ड हर एवर 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 स्पीकिंग इल ऑफ एनी डांसर, हंस लेती है। अगर उसे हमारा और उनका ओपिनियन ठीक नहीं होगा तो वेरी क्लेवरली डिप्लोमेटिकली, एंड ऑफकोर्स शी इज मैरिड टू द डिप्लोमेट, सो क्लेवरली शी विल रिमूव द स्टोरी एंड मेक अस ऑल्सो अंडरस्टैंड इज नॉट वर्थ गॉसिपिंग, लेट अस नॉट टॉक अबाउट अदर डांसर्स, लेट अस नॉट ऑल्सो कंपेयर एनीथिंग, लेट अस नॉट पुट माई डांस इन टू अनदर कैटेगरी, लेट माई डांस स्पीक फॉर इट सेल्फ। दिस ए वेरी बिग क्वालिटी दैट हर डांस स्पीक्स फॉर हर सेल्फ। हैविंग मास्टर द टेक्निक फ्रॉम द वेरियस ग्रेट गुरुज, Shona ji also thought of establishing her own institution or asavari
where she can train young dancers. The technique, what she learned from the great masters, had to be transmitted in a very meaningful manner to the new generation. There was a difference between what she studied from her traditional gurus and as a modern woman, how she would pass the technique to the young generation. Therefore, she had to have a clear understanding of what the new generation would want and what they would like to undergo in terms of training. One did not expect what she would do, say, for 14 hours continuous riyaz karna. But for the young generation, within a short time span, what best she can give to them, she found a way out by trial and error, by teaching them, by training them, by talking to them, by casualing them, sometimes by managing to bring them together and train them. Of course, the contemporary young generation was different than the time when Shobhanaji was very young. So the difference was there, and that she never lost sense of. To remain and aware about the changing times, aspirations of the young people, she grasped very quickly, and therefore her training has been different than training would be from the great masters. At the same time, the core value will not be less. The strength of the technique would be equally strong as she would have learned from her own guru. And that has benefited many of her young dancers. They also learn discipline to dance together in a group. As a solo dancer, you dance differently. But when you have to dance in a group, you have to accommodate other people. You can't trespass upon the space within which you are dancing. You have to see the coordination, you see the harmony, you have to see symmetry. All these elements she brought to the notice of young dancers, because when she was dancing, she did not take, I don't remember, she took part in many of the dance dramas. As a solo dancer, what she was doing in that particular space around her, and when she choreographed some group compositions, what she had to do, training these young dancers, so overall composition of her choreography looked very nice. I am sure they learned both how to dance solo and how to dance in a group.